ये कहानी है आजमगढ़ जंगल में रहने वाले एक गरीब कौवे की, जिसका नाम भोलू था। भोलू अपनी बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम टुनटुन था। टुनटुन घर का सारा काम करती है। बेटा, आज मैं बबलू कबूतर के घर जा रहा हूँ। मैं बीज के लिए कुछ पैसे उधार लूँगा बबलू कबूतर से। ठीक है बाबा, आप संभल के जाना। और भोलू कौवा बबलू कबूतर के घर निकल जाता है। मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। वो रहा बबलू कबूतर का घर। अरे भोलू भाई, आप तो बहुत दिनों बाद आए हो, आज कैसे आना हुआ? और टुनटुनी बेटियाँ ठीक है घर पे? हाँ बबलू भैया, सब ठीक है। मुझे दरअसल आपकी मदद की ज़रूरत है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, आप बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ मेरे भाई? मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। बबलू भैया, मुझे इस बार बीज लेने के लिए कुछ रुपए की ज़रूरत है, मैं आपके पैसे लौटा दूँगा। अरे भोलू, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं अभी आपको रुपए देता हूँ। और वो भोलू को रुपए दे देता है। भोलू उसे धन्यवाद कह के सीधे बाजार की ओर निकल जाता है। भोलू सीधे शर्मिला ताई की दुकान पे जाता है। शर्मिला ताई, मुझे अच्छी क्वालिटी की गाजर के बीज दे दो। अरे हाँ हाँ भोलू भैया, मैं आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी की बीज दूंगी। और भोलू बीज लेके फटाफट अपने घर की ओर निकल जाता है। टुनटुनी बेटा, मैं बीज तो ले आया हूँ, कल सुबह खेत में जाकर मैं बीज को बो दूंगा। और भोलू खेत में पहुँच के ट्रैक्टर चलाता है और खेत को बीज बोने के लायक बनाता है। चलो, सारे बीज तो बो दिए हैं, अब मैं घर जाता हूँ। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। बाबा, बारिश तो बहुत तेज है, कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए। टुनटुन की बातें सुन भोलू भी मन ही मन घबराने लगता है और वो अगले दिन खेत में जाता है तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई होती है। ये देखकर भोलू बहुत रोता है और जैसे ही वो घर की तरफ जा रहा होता है, उसे एक चमकदार चीज दिखती है और वहाँ पे एक दो मुंह वाली चिड़िया आती है। भोलू उस अजीब से मुंह वाली चिड़िया के पास जाता है और पूछता है, अरे आप कौन हो और आप कहाँ से आई हो? मैं इस जंगल की देवी हूँ और मैं स्वर्ग से तुम्हारी परेशानी को देखकर धरती पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अरे आप सच कह रही हो, मेरी फसल खराब हो गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं तुम्हें एक जादुई अंडा दूंगी, तुम अपने खेत में उसको बो देना और तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। और वो भोलू कौवे को जादुई अंडा दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा,
मैं किस मुंह से आपको शुक्रिया करूं? कोई बात नहीं, अब आप अपने घर जाइए। ये बोलकर वो चिड़िया भी वहां से गायब हो जाती है। और भोलू कौवा भी अपने घर चले जाता है। बिटिया, आज मुझे रास्ते में जंगल की रानी मिली और उन्होंने मुझे एक जादुई अंडा दिया है और इसको अपने खेत में बोने के लिए कहा है। ठीक है पापा, कल आप बोने के लिए चले जाना, अभी आप आराम करो। और सुबह होते ही भोलू कौवा अपने खेत में चले जाता है और खेतों को फिर से ट्रैक्टर चलाकर बुआई के लिए तैयार करता है और उसमें जादुई अंडा बो देता है। और उनका खेत अंडे के खेत में बदल जाता है जिसमें बहुत सारे अंडे लगे होते हैं। ये देख भोलू कौवा खुशी से झूम उठता है और टुनटुनी को भी खेत में लेके आता है। इस तरह अंडों को बेचकर वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और सबका उधार भी वापस कर देते हैं। भोलू कौवा उन सबको धन्यवाद कहता है जिसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुरे वक्त पे सबकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह मजेदार कहानियों